हुबली में लड़कियों के लिए अद्भुत कन्या संस्कार शिविर का आयोजन होने जा रहा है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। जिन शासन में श्राविकाओं का अत्यंत महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि तीर्थंकर से लेकर श्रावक तक को जन्म और संस्कारों का सिंचन एक श्राविका ही करती है। फिर वो चाहे माँ के रूप में हो या बहन के रूप में, गुरु के रूप में हो या साध्वी जी भगवंत के रूप में। लड़कियों के जीवन में भी अनेक प्रकार के प्रॉब्लम्स आते हैं। इन प्रॉब्लम्स को अगर सही व्यक्ति के साथ शेयर किए जाए तो सॉल्यूशंस मिलते हैं, और गलत व्यक्ति के साथ शेयर किए जाए तो प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। 12 अक्टूबर 2022 से 16 अक्टूबर 2022 तक हुबली में परम पूज्य आचार्य भगवान श्री अजित शेखर सुरेश्वर जी महाराज साहब की निष्ठा में एवं आशीर्वाद से पूज्य प्रवर्तिनी वसंत प्रभा श्री जी महाराज साहब के शिष्या, पूज्य चारित्र ज्योति वर्धना श्री जी महाराज साहब के शिष्या, साध्वी जी श्री मौन ज्योति श्री जी महाराज साहब की पावन निष्ठा में रेनोवेशन ऑफ यूथ शिविर 11 का सुंदर आयोजन होने जा रहा है। इस कन्या संस्कार शिविर में क्या कुछ होने वाला है, आइए जानते हैं सिर्फ 10 पॉइंट्स में। पॉइंट नंबर 1, हर साल 2 शिविरों का आयोजन होता है। इस बार 11th शिविर है। बेलगाम, गदग, पोटनेर, धर्मचक्र तीर्थ, चिकमंगलूर और 6 बार हुबली में एक बार भी कोई भी टॉपिक्स लगभग रिपीट नहीं हुए हैं। पॉइंट नंबर 2, शिविर का फिक्स कार्यक्रम ध्वज वंदना, जिन शासन परेड, अष्टोत्तरी, डिबेट। पॉइंट नंबर 3, तत्व ज्ञान के साथ विमेन एम्पावरमेंट, वंडरफुल डेज ऑफ लाइफ, भक्ति भावना, कॉम्पिटिशंस, एक्टिविटीज, स्नात्र महोत्सव, आपकी अदालत, क्विज आदि, इन सब के साथ एक शिविर तैयार होती है। इतना ही नहीं, अष्ट प्रकारी पूजा, गेम्स और भी बहुत कुछ। पॉइंट नंबर 4, व्हाट इज द एज लिमिट, 12 साल से ऊपर की बालिकाएं इस शिविर में जुड़ सकती है और भारत के किसी भी कोने से बहने आकर इस शिविर में जुड़ सकती है। पॉइंट नंबर 5, इस शिविर का इंटरेस्टिंग पार्ट, चढ़ावे लिए जाते हैं, फोर्स नहीं, लेकिन लड़कियां खुद भाव से ही रात्रि भोजन त्याग करती है, जमीन का त्याग करती है, मोबाइल त्याग, इंटरकास्ट इंटर रिलीजन मैरिज नहीं करने की सौगंध, सचित पानी का त्याग, प्रतिक्रमण दोनों समय, माता पिता दादा दादी के साथ आधा घंटा बैठना, अभक्ष्य हुक्का जुआ का त्याग, ऐसे अलग अलग प्रकार के नियम खुद लड़कियां अपने भावों से लेते हैं, फोर्स नहीं किया जाता। पॉइंट नंबर 6, मुंबई के संजय भाऊ ने लड़कियों को आराधना में देखा तो इतने खुश हुए कि गुरु भगवंतों से हर 6 महीने में शिविर रखने के लिए तीव्र विनंती की। पॉइंट नंबर 7, रुकने की, भोजन आदि की सब व्यवस्था बहुत सुंदर रूप से आयोजित होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि सबके साथ एडजस्ट होकर लड़कियां जब 5 दिन रहती है तो काफी कुछ सीखती है। पॉइंट नंबर 8, जो लड़कियां माँ से भी बातें शेयर नहीं कर पाती, वो सब साध्वी जी भगवंत के साथ शेयर कर अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस पाती है। पॉइंट नंबर 9, एक बच्ची जिसका नाम हर्षा है, एक समय में धर्म से पूरी विमुख थी, आज परमात्मा भक्ति से जुड़ी, एक समय में मंदिर भी नहीं जाने वाली, आज साध्वी जी भगवंत के पास आना और धर्म के मर्म को समझना, ये सब रूटीन हो गया है। पॉइंट नंबर 10, इस बार की शिविर हुबली में दादावाड़ी में होगी। टॉपिक्स होंगे विमेन हार्नेसिंग, तत्व ज्ञान, स्टोरी ऑफ शांतिनाथ प्रभु, शार्क टैंक्स, खतरों के खिलाड़ी, अष्टमंगल आलेखन, चरवला बांधना, कुक्को, 16 श्रृंगार का इम्पोर्टेंस, ब्रांडेड हैप्पीनेस, वर्ड्स ऑफ बर्ड्स, हेलो जिंदगी, अष्टोत्तरी आदि। पूज्य भुवन भानु सुरेश जी महाराज साहब ने शिविर की शुरुआत की थी। इस सुंदर आयोजन को पूज्य मौन ज्योति श्री जी महाराज साहब के प्रयास ने अब तक 1000 से ज्यादा लड़कियों को बोध दिया है। हर शिविर में लगभग 125 से ज्यादा लड़कियां जुड़ती है। इस अद्भुत शिविर से जुड़कर अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर संपर्क कर सकते हैं।